बच्चों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वो स्टडी पर। तो आज मैं आप सबको सिखाने वाला हूँ एडिशंस। तो एडिशंस सीखने के लिए कुछ बेसिक से मैंने यहाँ पर सम लिखे हुए हैं, तो चलिए देखते हैं पास कर लो। तो चलो सबसे पहले हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है 98 + 75। तो सबसे पहले एडिशन में ये चीज़ होती है कि हम कोई भी सवाल करने से पहले पीछे से शुरुआत करते हैं, ना कि आगे से। सबसे पहले हम पीछे से शुरुआत करते हैं। 8 + 5 कितना होता है? 8 + 5 होता है 13। तो हम यहाँ पर 13 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे क्योंकि एडिशन में ये दो प्रकार की होती है, ये कैरी वाली खेल है हम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3, और जो 13 का 1 होता है वो लिख जाएगी हमारे यहाँ कैरी में। तो 9 + 1 इजिकल टू होता है 10, और 10 + 7 इजिकल टू होता है 17। तो हम यहाँ पर क्योंकि अब आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम 17 पूरा लिख देंगे। ये हमने लिख दिया। अब बढ़ते हैं दूसरी सवाल की तरफ। दूसरा सवाल है 76 + 43। तो वही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे, पीछे से करेंगे। तो 6 + 3 इजिकल टू होता है 9। अब 9 में क्योंकि कोई आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए हम 9 पूरा लिखेंगे। और अगर कोई संख्या 9 से ऊपर है, या 10 है, या 10 से भी ऊपर है, 2 अंक 3 अंक 4 अंक की है, तो उसको हम कैरी में ले लेंगे। जितने भी अंक होंगे उसको हम कैरी में ले लेंगे। और बड़े अंकों, चलिए तो ये करते हैं पहले। 6 × 3 = 9 आपने देख लिया था, और फिर 7 + 4 = 11। हम 11 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ आगे कोई शब्द नहीं है, मतलब नंबर नहीं है, हमने पहले भी सीखा था। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है 88 + 96। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, तो चलिए करते हैं। 8 + 6 = होता है कितना बताइए? 14। तो लेकिन 14 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ को हटा देंगे। हम लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर 4, क्योंकि हम 1 कैरी ले लेंगे यहाँ पर। तो 9 हो गया यहाँ पर। तो 9 2 भी हम कर सकते हैं, हम आपको बाद में दिखाएंगे इसकी दूसरी ट्रिक। जब आप मल्टीप्लिकेशन सीख जाएंगे तब आपको ये ट्रिक अपने आप आ जाएगी। तो पहले अपन एडिशन करते हैं। यहाँ पर 1 कैरी आ गई है हमारी, तो 1 + 8 इजिकल टू होता है 9, और 9 + 9 इजिकल टू होता है 18। तो हमने यहाँ 18 लिख दिया है। अब इस सवाल को छोड़कर हम दूसरे सवाल पे आ बढ़ते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट सवाल है, इसका आप आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दिखिएगा बच्चों। तो चलिए मैं भी इसको आपको करके दिखा देता हूँ। तो 6 + 5 होता है 11, क्योंकि यहाँ दो संख्या नहीं है कहीं पर भी, ना आगे ना पीछे, इसीलिए हम 11 पूरा लिख देंगे। अब बढ़ते हैं पाँचवें सवाल की ओर। तो पाँचवा सवाल है 67 + 89। तो 67 + 89 में हम पीछे से करेंगे क्योंकि यहाँ दो अंक हैं। तो दो अंक में हमने क्या सीखा था कि हम पीछे से करेंगे, और अगर 9 से ऊपर की कोई भी संख्या आती है तो उसको हम यहाँ जोड़ देंगे। तो आप इन क्वेश्चंस का हमें, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको, उनका आंसर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। 7 + 9 होता है 16 का 6। लिखेंगे हम यहाँ पर 7 + 9 होता है 16, लेकिन हम 1 कैरी ले लेंगे यहाँ पर। तो 1 आ गई हमारे यहाँ कैरी, और ये कैरी लिखना बच्चों ज़रूरी नहीं है, अगर आप माइंड में ले सकते हैं इसको तो लीजिए। मैं अभी आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसीलिए। तो 1 + 6 + 8, तो हम कर लेंगे 1 + 6 = 7, 7 + 8 इजिकल टू होता है 15। तो 15 क्योंकि यहाँ आगे कुछ है नहीं, तो हम 15 लिखेंगे। अब इसी रूल के साथ हम और भी सवाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 12 + 99, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, आप इसको कीजिए। चलिए, तो 12 + 99 होता है 2 + 9 होता है 1 का 11 होता है, लेकिन हम वहाँ नहीं लिखेंगे, 1 ले लेंगे हम यहाँ कैरी में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 + 9 होता है 11। तो यहाँ आंसर होगा 111, सही आंसर ये होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, तो इसको हम करेंगे कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर इसके 3 है। तो अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए कि ऊपर की जो संख्या है वो बड़ी है और नीचे की संख्या के नीचे यहाँ कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर 0 मान लीजिए। हाँ, आप यहाँ पर 0 मान लीजिए, और फिर इसको करिए 6 6 6 में अगर अपन 0 ऐड करेंगे तो 6 ही आएगा, इसलिए आप यहाँ पर 0 मान लीजिए। अब 6 + 3 करेंगे हम यहाँ 9 आएगा, और 8 + 5 करेंगे तो यहाँ पर 13 का 3, और 1 क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं इसीलिए कैरी यहीं पर जुड़ जाएगी। और फिर 59 + 97 करेंगे, तो 9 + 7 करेंगे 16 का 6। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, एक सेकेंड। 16 का 6, और 1 आ गई यहाँ कैरी। और फिर 5 + 1 = 6, 6 + 9 = 15। तो चलिए अब हमने ये सारे सवाल कर लीजिए। तो चलिए अब हम और सवाल करते हैं।
पहले इनको रन कर लेते हैं, फिर हम और सवालों की भी प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई और भी सब्जेक्ट या फिर मैथमेटिक्स का ही कुछ चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर डालूँगा। तो चलिए कुछ और सवाल लिख लेते हैं। चलो तो हम कुछ और नए सवाल लिखते हैं। तो नए सवाल हम क्या लिखते हैं बताइए आप। तो ए लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखें यहाँ लिखते हैं हम 57। हम ऐड करेंगे, रुक जाओ एक सेकंड, चालू रखना वीडियो। तो आप मैंने जो पहले के आपको सवाल दिए थे उनको आप एक बार कॉपी में कीजिए, तब तक ये वीडियो यहीं आप पॉज कर दीजिए क्योंकि आगे का बहुत बोरिंग होने वाला है, आप इसको जल्दी से कर लीजिए जो हमने पहले सवाल आपको बताए थे। तो चलिए अब तक तो आपने लिख लिए होंगे, तो हम अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 57 और यहाँ हम लिखेंगे प्लस, क्योंकि दो शब्द के नीचे सेकंड नंबर के ऊपर प्लस आता है, इसलिए प्लस लिख लेंगे और फिर लिखेंगे 66। अगर आपको कोई भी संख्या, चलिए तो आप एक काम करते हैं, इसको करते हैं पहले 7 + 6 इज इक्वल टू होता है 13 का 3 बना गई यहाँ कैरी, तो हो गया 6 + 12। चलिए तो अब हम थोड़े बड़े सवालों के ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 3 3 3 और यहाँ प्लस में लिखते हैं 4 5 6। चलिए थोड़ा बड़ा सवाल है, मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे करना है। इसको भी उसी मेथड से करना है, कैरी अगर यहाँ आती है तो हम कैरी यहाँ जोड़ देंगे, और अगर पीछे के अंक से होता है तो हम करते हैं। चलिए 3 + 6 इजिकल टू होता है 9, 3 + 5 इजिकल टू होता है 8, 3 + 4 इजिकल टू होता है 7। तो इसका आंसर आएगा हमारा 7 8 9। तो चलिए हमने आपको कुछ बड़े सवाल भी बता दीजिए हैं, तो चलिए अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। और लाइक इस वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो आपको कोई और चाहिए हो अगर वीडियो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर इसको उपलब्ध करूँगा। तो बाय बाय।